हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सभी लोग का। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। ओके मेरी जान, आज के वीडियो में आप लोगों ने कुछ इस टाइप से यूनिवर्सिटी कोडिंग ज्वाइन ना सिर्फ आप लोगों वन एप्लीकेशन से, आप लोग केवल सिर्फ स्नैपशील एप्लीकेशन से ना कुछ इस टाइप से HDFC एंड कुछ इस टाइप से बैकग्राउंड आज के वीडियो में आप लोग मैं बनाने का सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना। सिर्फ आप लोग को वन एप्लीकेशन से स्नैपशीट एप्लीकेशन से आप लोग कुछ इस टाइप से आप लोग को HDR फेस स्मूथ भी आप लोग को सिखाने वाला हूँ एंड फोटो HDR में कैसे करते हैं वो भी आज कल मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एंड आप लोग सीवी फोटो एडिटिंग क्यों नहीं सीख पाते वो भी आज कल मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। मुझे पता है गाइस, जितने बाकी सारे यूट्यूबर्स आप लोग को जो प्रीसेट देते हैं ना, वो प्रीसेट आप लोग के फोटो के ऊपर वर्क नहीं करता, सारा सच्चाई मैं जानता हूँ। सो आज के टाइम आप लोग को जो है ना विदाउट प्रीसेट आप लोग को सीवी फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। हाँ मेरे जन, विदाउट प्रीसेट आज के टाइम आप लोग को कुछ इस टाइप से आप लोग को सीवी फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। अगर चैनल पर पहले हो तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचे। एंड प्यारा से कमेंट जरूर करके एक लाइक प्यारा से जरूर कर देना, वीडियो के एंड तक जरूर बनाना। चलो चलते अपने होम स्क्रीन के ऊपर। सो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग का जो ओरिजिनल फोटो रहेगा ना, वो सिंपली आप लोग को स्नैपचैट एप्लीकेशन में ले चलना है। ओके, देन आफ्टर मेरे जान यहाँ से आप लोग को टूल्स वाले आइकॉन पे आप लोग को क्लिक कर देना एंड यहाँ से आप लोग को इतना सारा सेटिंग ओपन होगा, आप लोग के सामने एक विग्नेट का ऑप्शन ओपन होगा। तो सिंपली विग्नेट वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करने के बाद लास्ट में आप लोग को 12th का ऑप्शन दिखेगा, तो 12th वाले को आप लोग को ले लेना है। एंड आप लोग पकड़ेंगे ना तो इस टाइप से चार सेटिंग्स ओपन होगा, तो सैचुरेशन को एकदम माइनस कर देना है एंड जो स्ट्रेंथ रहेगा उसे आप लोग को 50 कर देना है एंड जो विग्नेट रहेगा उसे आप लोग को 50 अराउंड रख देना एंड जो ब्राइटनेस है उसे आप लोग को 15 के अराउंड रख देना है। सिंपल यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आप लोग को जो है ना इस वाले आइकॉन पे आप लोग को आ जाना है एंड व्यू एडिट्स पे आप लोग को क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आप लोग को जो ये वाला दिख रहा होगा व्यू एडिट्स के, सिंपल इस वाले लाइन पे आप लोग को क्लिक करके देन आफ्टर मेजर आप लोग को ये बीच वाला ऑप्शन को आप लोग को ओपन कर लेना होगा एंड यहाँ से आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को इन्वर्ट कर लेना होगा। देन आफ्टर आप लोग अपने फेस को जूम करना है एंड अपने फेस के ऊपर से कुछ इस टाइप से आप लोग को इरेज कर देना है। ओके मेरी जन, इतना सा प्रोसेस आप लोग को करते रहना है। जिस तरीके से आप लोग का भाई अप्लाई कर रहा है सेम उसी तरीके से आप लोग को भी अप्लाई करते रहना है। सो इतना सा प्रोसेस आप लोग को भी जो है ना करते रहना है। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, वीडियो बस थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ओरिजिनल ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ सीवी फोटो एडिटिंग। ओके मेरी जान, अगर चैनल पर पहले हो तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना, ताकि पहला वीडियो डालते सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। ओके मेरी जान, सो आप लोग का भाई जिस टाइप से प्रोसेस कर रहा है उसी टाइप से आप लोग को भी प्रोसेसिंग करते रहना है। ओके मेरी जान, एंड इससे आप लोग का जो बैकग्राउंड रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा डार्क धीम में हो जाता है मेरी जन। ओके, इसके आज के वीडियो में आप लोग को जो मैं विदाउट प्रीसेट के साथ आप लोग को सीवी फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, जो आज से यूट्यूब पर आप लोग को विदाउट प्रीसेट के साथ आप लोग को किसी ने भी सीवी फोटो एडिटिंग नहीं सिखाया होगा, इसकी गारंटी जो है ना मैं लेता हूँ। ओके मेरी जन, सो आप लोग देख सकते हैं कितने बवाल तरीके से, आसान तरीके से हमने हमारे फेस और हाथ के ऊपर से आप हटा दिया है। एंड आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड में भी चार चांद लग चुके हैं एकदम डार्क ब्लैक, बिफोर एंड आफ्टर आप लोग देख सकते हो। एंड अगेन मेरी जान, आप लोग को टूल्स वाले आइकॉन पे आना है आप लोग को एंड यहाँ से आप लोग को कुछ नहीं करना होगा, आप लोग का जो पोर्ट्रेट का ऑप्शन होगा तो सिंपल इस वाले आइकॉन पे आप लोग क्लिक करना है, यहाँ से आप लोग का जो फेस स्मूथ भी हो जाएगा। ओके मेरी जान, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, यहाँ से आप लोग को जो कॉम्बो वन वाले आइकॉन को आप लोग को सेलेक्ट कर लेना एंड यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कॉम्बो वन वाले आइकॉन को आप लोग क्लिक कर लेना एंड जो आप लोग को स्किन स्मूथिंग दिख रहा है इसे आप लोग को सिंपली 100 रख देना है एंड आई क्लैरिटी को भी आप लोग हल्का सा कर सकते हैं। ओके, एंड फेस स्पॉटलाइट को भी आप लोग को हल्का सा 60 के अराउंड रख देना एंड आप लोग देख सकते हो फेस स्मूथ भी काफ़ी ज़्यादा बवाल तरीके से हमारा यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर आप लोग के आँख के सामने आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर फेस स्मूथ भी धाकड़ तरीके से हो चुका है। अगेन आप लोग को टूल्स वाले आइकॉन पे आप लोग को चले जाना होगा HDR में फेस स्मूथ करने के लिए, अगेन आप लोग को पोर्ट्रेट वाले आइकॉन पे आप लोग को चले जाना होगा, उसी टाइप से आप लोग को फिर से लेना है
स्किन स्मूथनिंग को आप लोग को 50 रख देना, आई क्लैरिटी को आप लोग को 30 रख देना, सेम प्रोसेस आप लोग को रिटर्न करना है, ओके मेरी जान। देन आफ्टर आप लोग को टूल्स वाले आइकॉन पे आप लोग को फिर आ जाना है, एंड यहाँ से आप लोग को डिटेल्स वाले आइकॉन पे आप लोग को चले जाना होगा, एंड यहाँ से इसकी शार्पनिंग को एकदम 100 कर देना है, एंड स्ट्रक्चर को भी हल्का सा 100 कर देना है, ओके मेरी जान। देन आफ्टर आप लोग को यहाँ से अगेन टूल्स वाले आइकॉन पे आप लोग को चले जाना होगा, एंड यहाँ से आप लोग को सेलेक्टिव वाला आइकॉन आप लोग को ले लेना होगा, एंड जहाँ जहाँ ब्लैक सा है सिंपली वहाँ से आप लोग को टैप करके हल्का सा आप लोग को सेचुरेशन माइनस कर देना है। सो इतना सा प्रोसेस आप लोग को करते रहना है, सेचुरेशन हल्का सा माइनस करना, देन आफ्टर यहाँ से आप लोग को राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। सो मेरे जान देन आफ्टर आप लोग को यहाँ से अगेन आप लोग को टूल्स वाले आइकॉन पे आप लोग को चले जाना होगा यहाँ से आप लोग को। देन आफ्टर मेरे जान आप लोग को ना यहाँ से एक ट्यून इमेज का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपल इसे ओपन कर लेते हैं, एंड एम्बिनेंस को हल्का सा आप लोग को फुल कर देना, देन आफ्टर आप लोग को यहाँ से राइट कर देना है, एंड यहाँ से अगेन आप लोग को टूल्स वाले आइकॉन पे आप लोग को चले जाना होगा, एंड यहाँ से आप लोग को अगेन यहाँ से सेलेक्टिव वाला ऑप्शन ले लेना होगा, एंड आप लोग के जो बैकग्राउंड में कहीं पर भी व्हाइट होना तो सिंपली उस जगह आप लोग को टैप करके उस जगह के आप लोग को ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है, ओके मेरी जान। देन आफ्टर अगेन आप लोग को टूल्स वाले आइकॉन पे आप लोग को आना है, यहाँ से PNG सेट करने के लिए डबल एक्सपोजर पे आप लोग को टैप करना है, एंड यहाँ से आप लोग को सिंपली गैलरी में चले जाना होगा, ओके मेरी जान। सो मेरे जान यहाँ से PNG बोक इफेक्ट आप लोग को दे दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो सिंपली इसे लाने के बाद यहाँ से आप लोग को लाइटली पे अप्लाई कर देना होगा, एंड इसकी देन आफ्टर इसके ऑपोसिटी जो रहेगा एकदम 100 आप लोग को नहीं करना है, इसका ऑपोसिटी लगभग आप लोग को इतना सा रख के देन आफ्टर यहाँ से आप लोग को राइट कर देना है, एंड आप लोग को अगेन यहाँ से इस वाले आइकॉन पे आप लोग को चले जाना होगा, एंड यहाँ से आप लोग को अगेन व्यू एडिट्स वाले ऑप्शन पे आप लोग को चले जाना होगा, एंड यहाँ से आप लोग का जो अभी तक डबल एक्सपोजर से ऐड किया था सिंपली उस पे क्लिक करके आप लोग को बीच वाले आइकॉन पे आप लोग को क्लिक कर देना है, एंड यहाँ से आप लोग सबसे पहले इन्वर्ट कर लीजिए, ओके। देन आफ्टर इन्वर्ट करने के बाद आप लोग को कुछ इस टाइप से आप लोग को जो है ना अप्लाई करते रहना है, ओके मेरे जान। यहाँ से आप लोग को 100 रख लेना है, एंड कुछ इस टाइप से आप लोग को अप्लाई करते रहना है, ओके मेरे जान। एंड आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो बोक इफेक्ट लग रहा है, सो आप लोग को बोक इफेक्ट मैं PNG दे दूंगा, सो आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड में कितने अच्छे तरीके से हमारा बोक इफेक्ट लग चुका है। देन आफ्टर यहाँ से राइट वाले आइकॉन पे आप लोग को क्लिक कर देना है, अगेन आप लोग को टूल्स वाले आइकॉन पे आप लोग को चले जाना होगा, देन आफ्टर अगेन आप लोग को यहाँ से डबल एक्सपोजर वाले आइकॉन पे आप लोग क्लिक करके यहाँ से आप लोग को PNG से ऐड कर लेना है। तो इतना सा प्रोसेस आप लोग को करते रहना है, ओके मेरी जान। सॉरी मेरी जान यहाँ से PNG नहीं मिल रहा, तो PNG कहाँ गया। सो ये रहा मेरी जान PNG, तो सिंपली इसे लाके कुछ इस टाइप से आप लोग को अप्लाई कर देना है, ओके मेरी जान। देन आफ्टर आप लोग को ना इस वाले आइकॉन पे आप लोग को क्लिक कर देना, एंड यहाँ से आप लोग को लाइट एंड पे आप लोग को क्लिक कर देना है, ओके। देन आफ्टर आप लोग को यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना है, अगेन आप लोग को टूल्स वाले आइकॉन पे आप लोग को चले जाना होगा, एंड मेरी जान अगेन आप लोग को यहाँ से डबल एक्सपोजर वाले आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ से आप लोग को एक और PNG आप लोग को ऐड कर लेना होगा, जो कि मैं सारा PNG टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगेन मेरी जान यहाँ से आप लोग को इस वाले आइकॉन पे आप लोग को क्लिक कर लेना है, देन आफ्टर मेरे जान आप लोग को यहाँ से लाइट एंड वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करके इसे आप लोग जहाँ चाहे वहाँ एडजस्ट कर सकते हो, ओके। देन आफ्टर इसे यहाँ से आप लोग को राइट कर देना है, एंड अगेन आप लोग को टूल्स वाले आइकॉन पे आप लोग को चले जाना है। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना मेरे भाई लोग, CV फोटो एडिटिंग खाली मैं PicsArt से आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ। अगेन आप लोग को डबल एक्सपोजर वाले आइकॉन पे आप लोग क्लिक करके यहाँ से आप लोग को जो है ना PNGs ऐड कर लेना है, ओके मेरी जान। जैसे कि यहाँ से मैं PNGs ऐड कर लेता हूँ, कहाँ गया। सॉरी जान मिल नहीं रहा है कुछ सेकंड से मैं लोडिंग ना। देन आफ्टर ये वाला PNG आप लोग को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, सिंपली आप लोग को उस वाले आइकॉन पे आप लोग को क्लिक करके यहाँ से इसे भी जो है लाइटन कर लेना है, ओके मेरे जान। देन आफ्टर आप लोग को ना यहाँ से इस वाले आइकॉन पे आप लोग को चले जाना होगा, एंड यहाँ से व्यू एडिट्स वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना होगा, एंड अगेन उस वाले आइकॉन पे आप लोग को क्लिक करना है, एंड यहाँ से आप लोग को इस वाले आइकॉन पे आप लोग को क्लिक करके यहाँ से आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्ट कर लेना होगा, ओके। एंड अपने फेस के ऊपर से इसे हटा देना है, ओके मेरी जान। तो इतना सा प्रोसेस आप लोग को जो है ना करते रहना है, ओके मेरी जान। देन आफ्टर यहाँ से आप लोग को राइट वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना है, इतना सा प्रोसेस आप लोग को करते रहना है मेरी जान। देन आफ्टर आप लोग को टूल्स वाले आइकॉन पे आप लोग को अगेन आ जाना है, एंड यहाँ से आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा मेरी जान,
अगेन आप लोग को टोनल कंट्रास्ट पर आ जाना होगा आप लोग को, एंड ऐसे फेस का जो टोन रहा हाई टोन रहेगा उसे 23 एंड मीडियम टोन जो रहेगा उसको लो कर देना, एंड लो टोन को हल्का सा आप लोग को 48 कर देना, प्रोटेक्ट शेडो को 0, देन आफ्टर यहाँ से आप लोग को राइट कर देना है। सो मेरी जन सीबी फोटो एडिटिंग मैंने आप लोग को स्नैपशीट से आज कोडा में आप लोग को फुल सिखा दिया हूँ। आशा करता हूँ आज कोडा आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टाटा बाय बाय।